सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भगवान शिव और सर्पों का क्या संबंध है। हम देखते हैं कि जहाँ पे भी शिवलिंग होता है या भगवान शिव होते हैं वहाँ पे सर्प भी मौजूद होते हैं, शिवलिंग के ऊपर भी सर्प मौजूद होता है और कई लोग सर्पों की पूजा करते हैं, उनको भोलेनाथ का अवतार मानते हैं। तो इसका जो कारण है वो हमारे पुराणों में मिलता है। सर्पों की पूजा वो शिव पूजा कहलाती है। सर्पों को नष्ट करना वो शिव जी का अपमान करने के बराबर है। कई जाति के लोग हैं जो सर्पों की पूजा करते हैं। तो ये जो नाग लोक है पूरा, जो बड़े बड़े नाग बताए गए हैं, जो महानाग बताए गए हैं, उनका संबंध सीधा भगवान शिव से है। इसका आदि जो कारण है वो ये है कि इन सभी सर्पों ने जब कालकूट विष प्रकट हुआ था, जब भगवान शिव ने विष का पान किया था, उस समय संसार के सभी सर्पों ने मिलकर भगवान शिव की सहायता की थी। जब कालकूट विष प्रकट हुआ तब पूरा संसार नष्ट होने को था, तब संसार बचाने के लिए भगवान शंकर विष का पान कर रहे थे और उस समय सभी सर्प भगवान शंकर के साथ मौजूद थे। सभी ने मिलकर शिवजी के साथ थोड़ा थोड़ा विष पिया। कहते हैं कि उससे पहले सर्प जहरीले नहीं होते थे, लेकिन विष पान करने के बाद ही सर्प सारे जहरीले हो गए। भगवान शंकर के प्रति उनकी जो भक्ति है उसको देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिवजी की सहायता इसमें किसी ने नहीं की थी, केवल सर्पों ने ही शिवजी का सहयोग किया था। इसलिए भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर सभी सर्पों को यह वरदान दिया कि आज से आपकी पूजा वो मेरी पूजा होगी। जहाँ पे मैं मौजूद होऊंगा वहाँ पे आप भी मौजूद होंगे। जब मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा के साथ आपकी पूजा भी होगी। और भगवान शिव ने अपने गले में भी सर्प को स्थान दिया। यही एक आदि कारण है कि सर्पों के साथ शिवजी दिखते हैं और शिवजी के साथ सर्प दिखते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।